बाजरामठ स्थित निराश्रित वृद्धाश्रम जो कि रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा संचालित किया जाता है, कई दिनों से चर्चा का केंद्र बना हुआ है। कुछ दिन पहले पलपल इंडिया न्यूज ने कुष्ठ आश्रम में कार्यरत अधीक्षक द्वारा लोगों को पानी के लिए तरसाने की खबर को प्रमुखता से दिखाया था। ये पानी क्या करें? तो मैडम सबसे बड़ी समस्या तो हमारे पास बर्तन भी तो हो इतने के हम बर्तन भर लें। लेकिन अब अधीक्षिका का एक और कारनामा उजागर हुआ है। चपलपल इंडिया न्यूज की टीम पूरा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए गेट के बाहर से जब वहां के लोगों से बात कर रही थी तो कुछ लोगों ने तो आश्रम की अधीक्षिका के डर से कह दिया कि सब ठीक है, किसी प्रकार की समस्या नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है, मतलब खाना नाश्ता सब चीज समय पे मिलती है। लेकिन एक वृद्ध ने दबे स्वर में बात करते हुए कहा कि मैडम के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता है तो उसे यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। लोगों के मन में तो डर है, यहाँ तो सच बोलने पर वही हो गई, हर आदमी के मन में डर है। बारे में अगर आप कुछ बोलोगे खासकर मैडम के बारे में तो वो तो सीधी सी बात। उन्होंने पूर्व में एक व्यक्ति को बाहर निकालने की बात को भी स्वीकारा। उन्होंने बताया कि यहाँ लोग जरूर आपसे कहेंगे कि सब ठीक है, लेकिन यहाँ अधीक्षिका का डर लोगों में भरा हुआ है जिसके कारण यहाँ की अव्यवस्थाओं के बारे में नहीं बोल सकते। वहीं उन्होंने कलेक्टर से भी अकेले में मुलाकात करने की बात कही। मैं तो चाहता हूँ कि अधिकारी दौरा करें, जांच करें, यहाँ तब तो हम लोग उनको खोल के बता सकते हैं। हम तो चाहते हैं कि एक बार कलेक्टर साहब आ जाए, वृद्धों से आप अलग अलग आप पूछ लें, सामूहिक रूप से पूछ लें। अब हम आज मान लो यहाँ से चले जाते तो क्या करेंगे? आपको निकाल दिया, मान लीजिए हम 75 साल की उम्र में हार्ट के पेशेंट हैं, कुछ भी बहाना बना के अगर निकाल दिया क्या करेंगे? पूरे मामले में आश्रम की अधीक्षिका का कहना है कि यहाँ सब कुछ ठीक है। वहीं जब पलपल इंडिया ने मैडम से आश्रम में नियुक्त किए गए कर्मचारियों की पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर पुलिस वेरिफिकेशन ना होने की बात को स्वीकारा है। पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता है यहाँ, क्या आपको मालूम नहीं कि किसी को रखने के लिए वृद्धाश्रम? हाँ सर, ये इस बारे में अभी हमें कलेक्टर महोदय ने बताया था, तो जो अभी हमने जो एक नियुक्ति करी थी मालिक को, इसका पुलिस वेरिफिकेशन करवाया था। मैडम 5 लोग की नियुक्ति की गई है आपके द्वारा और इसने कलेक्टर साहब को जानकारी दी गई है इनका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ या नहीं? इनकी नियुक्ति हुई है कलेक्टर साहब की जानकारी से ही हुई है, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है अभी तक। तो जितनी भी भर्तियाँ हुई उनकी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुई है, लेकिन हमें कलेक्टर साहब ने कुछ गाइडलाइंस दी थी तो उसके हिसाब से जो नए अभी भर्ती हुए हैं उनकी हमने पुलिस वेरिफिकेशन करवाया है। आपने नियमों का उल्लंघन नहीं किया है? कहीं ना कहीं तो है सर, किया ना आपने जी, है तो संविधान के खिलाफ, लेकिन सर यहाँ जरूरत के अनुसार भर्ती हो जाती है। मैं तो चाहता हूँ कि अधिकारी दौरा करें, जांच करें, यहाँ तब तो हम लोग उनको खोल के बता सकते हैं। वहाँ के लोगों कहना कि आप उन्हें डराती धमकाते हैं और आश्रम से निकालने धमकी देती हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी को कोई धमकी नहीं देते हैं ना ही है, ये हमारा कर्तव्य ही नहीं है किसी को ऐसा बोलना कि हम यहाँ से निकाल देंगे। आपने नियमों का उल्लंघन नहीं किया है? कहीं ना कहीं तो है सर। क्या इस तरह के खौफ भरे माहौल में वृद्ध सुरक्षित हैं? क्या प्रशासन की जवाबदारी और जिम्मेदारी नहीं बनती कि वे इन सब का ध्यान रखें? ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पलपल इंडिया।